हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन ए लर्निंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज बाय श्री ज्ञान मंझी विद्यापीठ फर्स्ट हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू नाउ चैप्टर ट्वेल्व हम चैप्टर इलेवन तक पढ़े थे फिर हमने ग्रामर का पोर्शन पढ़ा था चैप्टर इलेवन तक का हमने रिवीजन भी किया अब आगे का जो सिलेबस है वह उसमें चैप्टर ट्वेल्व कलिकाल हेमचंद्राचार्य द ओमनीसेंट वन इन कलयुगा कलिकाल सर्वज्न जो कलयुग में सर्वज्ञ सर्वम जानाती थी सब कुछ जानने वाला है उसे सर्वज्ञ ऐसा कहा जाता है इसलिए कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्राचार्य जो कि जैन धर्म में एक आचार्य हो गए और बहुत ही विद्वान थे इसलिए उसे कलिकाल सर्वज्ञ ऐसा विरुद्ध दिया गया है एक प्रकार की पदवी दी गई है आचार्य हेमचंद्रा वन थाउजेंड एटी नाइन इलेवन सेवेंटी टू वॉज अ जैन स्कॉलर पोएट एंड पॉलीमैथ वो वॉट ऑन ग्रामर Philosophy and contemporary history. Noted as a prodigy by his contempor contemporaries, he gained the title Kalikala Sarvagno, all knowing of the Kali Yuga. Kalikala means all knowing of the Kali Yuga. He was Born in Dhandhuka, Gujarat, and was named Changdev by his parents. He was born in uh, 1145, 1145, Vikram Samvant. At the age of 21, he was organ. एज एन आचार्य ऑफ ध श्वेतांबर सेट ऑफ जैनिज् एंड वोज़ गिवन द नेम हैमचंद्र हि वॉज अ प्रोलिफिक राइटर एंड रोड ग्रामर्स ऑफ संस्कृत एंड प्राकृत सिम शब्दुशासन पोयटिक्स काव्यानुशासनम धपिक पोयम त्रिष्टिशलाका पुरुषचरित्र During his lifetime, Gujarat was ruled by the Chalukya. Chalukya dynasty and he rose to prominence under the reign of Siddharaj. He was an advisor to his successor Kumar under the influence of Hemchandra Acharya, Jainism became the official religion of Gujarat and the animal soldier was banned. This lesson narrates the important incident which led out to Hemchandra Acharya writing his ऑन ग्रामर एंड अंडरलाइंस द इम्पोर्टेंस ऑफ एकेडमिक एक्सेलेंस और मटेरियल वेल्थ इट इज सेड की ये सजीवती हेमचंद्राचार्य जो है वह गुजरात की सांस्कृतिक चेतना का जिसने निर्माण किया है ऐसे हेमचंद्राचार्य को कहा जाता है हेमचंद्राचार्य में कुशाग्र बुद्धि थे धर्माभिमुख थे और उसमें भ्रातृभाव दवा दया अवैर जैसे सद्गुण से भरपूर थे हेमचंद्राचार्य जी उसको ट्वेंटी वन ईयर्स इक्कीस वर्ष में आचार्य पद भी प्राप्त हो गई थी देखो जैन धर्म में जब वह जैन धर्म में सन्यास अंगीकार करते हैं जब वह संसार को छोड़कर साधु बन जाते हैं तब वो जैसे जैसे अभ्यास करते हैं उस तरह से उसको पद दिया जाता है सबसे पहले सूरी पद आता है फिर आ, आचार्य पद आता है आचार्य पद जो है वह श्रेष्ठ पद माना जाता है तो आ, गुरु देवेंद्र सूरी जो थे उसके देवावसान के बाद हेमचंद्राचार्य जो है जो पाटण में आए थे और उसको आचार्य पद की प्राप्ति हो गई थी देवेंद्र सूरी जी उसके गुरु थे उसके पास से उसने दीक्षा ग्रहण की थी तो आज भी जैन धर्म के लिए जो भी ऐसे साधु सन्यास ग्रहण करते हैं अहमदाबाद और कहीं शहरों में ऐसी पाठशालाएँ हैं जहाँ जैन धर्म के ग्रंथ और व्याकरण जो है वह पढ़ाया जाता है वह पढ़ते हैं और आगे वह विद्वत्ता ग्रहण करते हैं और उस विद्वत्ता के आधार पर उसको सूर्य पद आचार्य पद ऐसा दिया जाता है चंद्र फिर उसको लगता है फिर सूरी लगता है जिसे उसके गुरु थे देवचंद्र सूरी ऐसा भी उसका नाम था तो हेमचंद्र तो ये पद के बाद हेमचंद्राचार्य ऐसा एक पद ग्रहण करने के बाद तो एक काफ़ी साल बीत जाने के बाद आचार्य पद जो है प्राप्त होता था बहुत सारी विद्वत्ता ग्रहण करने के बाद लेकिन जो हेमचंद्राचार्य जी है उसने छोटी सी उम्र में बहुत सारा ज्ञान इकट्ठा कर लिया इसलिए आचार्य पद उसको प्राप्त हुआ और दूसरा विरुद्ध जो है वह कलिकाल सर्वज्ञ की कलयुग में सब कुछ जानने वाला ऐसा पद दिया गया अब हेमचंद्राचार्य जी जो है वह अणहिलपुर पाटन में आते हैं उसके गुरु जो है वह वहाँ पे रहते थे बाद में उसका देहा हुआ बाद में हेमचंद्राचार्य जी जो है वह पाटन में आते हैं तब पाटन में चालुक्य वंश की गद्दी थी वह वहाँ पर राज कर रहे थे जो सिद्धराज जयसी आपने सोशल साइंस में सिद्धराज जयसी और मिनल देवी ए उसकी जो हिस्ट्री है वह पढ़ी होगी तो सिद्धराज जयसी जो है वह पाटन शहर के राजा थे आज का पाटन है वह तब अनहिलपुर ऐसा उसको कहा जाता था और तब गुजरात का कैपिटल पाटन हुआ करता था और सिद्धराज जयसी उसके राजा थे तो सिद्धराज जयसी जो है वह हेमचंद्राचार्य का बहुत आदर करते थे और सिद्धराज जयसी एक बार आ, भोज राजा मालव प्रदेश जो है वहां पर विजय प्राप्त करते हैं मालव पर विजय प्राप्त करते हैं जो कि भोज राजा का प्रदेश था आज का जो मध्य प्रदेश है वह मालव प्रदेश वहाँ भोज राजा का राज्य था और भोज राजा की पीढ़ी में यशोवर्म नाम का जो राजा था वह वहाँ पे राज करता था वहाँ पे यशोवर्म नाम का राजा था सिद्धराज उसके राज्य पर चढ़ाई करते हैं और यशोवर्म को जीत लेते हैं इसलिए वहाँ जो भी संपत्ति थी राज्य में सब अनहिलपुर लेके आते हैं लेकिन भोज राजा जो है वह विद्वत्ता के लिए जाने जाते हैं सर्वश्रेष्ठ विद्वान भोज राजा को माना जाता था कहीं सारी पुस्तकें लिखी थी उसमें एक व्याकरण ग्रामर की बुक संस्कृत व्याकरण सरस्वती कंठाभरण नाम की बुक भी लिखी थी भोज राजा ने इसीलिए भोज राजा के जो भी पुस्तकें थी वह सब पुस्तके लेके आते हैं और भोज राजा की प्रसिद्धि ही उसकी विद्वत्ता के कारण थी वो विद्वानों का भी बहुत सम्मान करते थे आ, नाइन्थ में एक चैप्टर आता था आप लोगों को भोज राजा और कट पंडित दोनों की चर्चा होती है तो भोज राजा इसके लिए बहुत जाने जाते थे इसीलिए बहुत सारी पुस्तकें थी वह पुस्तकें भी लेके आते हैं और सिद्धरा जैसी ऐसा सोचते हैं कि भोज राजा की जैसी प्रसिद्धि है ऐसी प्रसिद्धि मेरी भी हो भोज राजा की प्रसिद्धि क्यों थी क्योंकि वह अच्छे विद्वान थे विद्वानों का सम्मान करते थे अपने राज्य में सभी लोग अच्छी तरह का ज्ञान प्राप्त करें यह बात सुनिश्चित करते थे इसके लिए बहुत सारा काम करते थे कि सब लोक ज्ञान नॉलेज प्राप्त सब लोग पढ़े इसलिए तो इसलिए सिद्धराज जयसी हेमचंद्राचार्य जो हेमचंद्राचार्य जी को मिलते हैं और हेमचंद्राचार्य जी आ, फिर सिद्ध हेम शब्दानुशासन नाम का एक ग्रंथ लिखते हैं जिसको सम्मान दिया जाता है हाथी पर रख कर हाथी की अंबाड़ी पर ऐसे तो देखे तो हम कहीं भी कहीं गए होते और बैठे वो अलग बात है लेकिन ऐसे सम्मान में राजा के सिवा कोई भी बैठ नहीं सकता किसी का अधिकार नहीं है हाथी की अंबाड़ी जो होती है उसके पर बैठने का और उसके पर ग्रंथ रखा हाथी की अंबाड़ी उसके पर ये ग्रंथ रखा और पूरे पाटन में घुमाया और उसको सम्मान दिया गया इस तरह से वह तो श्रेष्ठ सम्मान है हाथी की अम्बाड़ी पर किसी को बिठाया जाए और पूरी यात्रा निकाली जाए तो श्रेष्ठ सम्मान है लेकिन कोई राजा है तो उसको ही बैठने का अधिकार है ऐसे पूर्वक तो सिद्ध हेम शब्दानुशासन नाम का एक व्याकरण का ग्रंथ था उसको उसके पर रखा गया और पूरे पाटन शहर में घुमाया गया इस तरह से उसको सम्मान दिया गया तो हेमचंद्राचार्य जी ने और भी आगे बताया इस तरह से द्व्याषयी काव्य काव्यानुशासनम छंदोनुशासनम अनुशासनम ऐसे ग्रंथ लिखे हैं और इलेवन सेवेंटी थ्री में उसको कलिकाल सर्वज्ञ ऐसा विरुद्ध ऐसी पद भी दी गई क्योंकि केवल व्याकरण के जानकार नहीं थे वह साहित्य भी इतना ही अच्छी तरह से जानते थे छंद वगैरह जो भी है उसका भी उसको ज्ञान था सभी तरह का ज्ञान हेमचंद्राचार्य जी को था इसलिए कलिकाल सर्वज्ञ ऐसा हेमचंद्राचार्य जी को विरुद्ध दिया गया और सिद्धराज जैसी है उसके अनुगामी जो पाल है वह भी हेमचंद्रा जी का हेमचंद्राचार्य जी का आदर करते थे और उसने भी जैन धर्म अंगीकार किया था तो ये हेमचंद्राचार्य जी का परिचय इस पाठ में और किस तरह से वहाँ पे अच्छा सभी लोग पढ़े अच्छी ज्ञान की प्राप्ति हो सिद्धराज जयसी ने किस तरह से उसके लिए प्रयास किया था वही इस चैप्टर में दिया गया है देखते हैं विक्रमस्य से द्वाद्या शताब्दिया सिद्धराज जय सिंह मलव विजय सिद्धराज सेंचुरी ऑफ दिक्रमादित्य ऐसा हम कहते हैं तो वह विक्रमादित्य की बारहवीं सदी में विक्रमादित्य जो है आज से लगभग दो हजार सत्तर वर्ष पहले टू थौजेंड सवेन्टी इयर्स अगो विक्रमादित्य हो गए तो सिद्धराज जैसी कोंकण मालो इन द ट्वेल्थ सेंचुरी ऑफ द एरा स्टार्टेड बाय विक्रमादित्य शताब्द्याम सेंचुरी द्वादश्याम टेल्व्थ विक्रमस्य स्टार्टेड बाय विक्रमादित्य Malava in the twelfth century of the era started by Vikramaditya. Sidraja Jayasi conquered Malwa in the twelfth century of the era started by Vikramaditya. Vijayanantaram Jayasingha

जय सिंह रिटर्न टू अनहिलपुर यशोवर्मण सर्वम धनम ऑल द वेल्थ ऑफ ऑल द वेल्थ ऑफ द किंग यशोवर्मा विथ हिम विजय के बाद जय सिंह जो है वह वा वापस आए और यशोवर्मा का जो भी धन था वह सभी धन साथ में लेके आए Sidra Jaisi conquered Malo in the 12th century of the era started by Vikramaditya. After the conquest, Jaisi returned to Anhilpur, taking all the wealth to the king Yashovarma with him. Siddharaj Jaisi कॉंक मलव इन द ट्वेल्थ सेन्चुरी ऑफ द एरा स्टार्टेड बाय विक्रमादित आफ्टर द कॉकेश जयसी रिटर्न टू अनिपुर टेकिंग ऑल देल्थ ऑफ द किंग यशोवर्मा विथ हिम धन सह तंथारोपी तस्तो जाता Dhanenasa. with the wealth, even the library, Granthagarah, library, with the wealth, Dhanenasah, with the wealth, even the library that was there had fallen into his possession. कि वह सब धन तो लेके आए लेकिन धन के साथ वहाँ की जो ग्रंथागार जो मैंने पहले ही बताया कि भोज राजा जो है वह विद्वत्ता के लिए प्रसिद्ध थे इसलिए पुस्तक तो उसका शोक था तो बहुत सारी पुस्तकें हजारों पुस्तकें थी बहुत बड़ी लाइब्रेरी थी तो वह सब ग्रंथ भी साथ साथ में लेकर आए इसलिए कह रहे वेल्थ इवन द लाइब्रेरी धेट वॉज धेर हैड फॉलन इन टू हिस्स पोजिशन अस्ट ग्रंथागारे बहवो अनुपम ग्रंथ आसन इन धिज लाइब्रेरी धेर वॉज मैनी इनकमपेरेबल ट्रिटाइसिस कितने सारे ग्रंथ उसमें रहते थे लाइब्रेरी में इन दिस लाइब्रेरी धेर वर मैन इनकम्परेबल रिटाइस बहु अनुपमा श्रेष्ठ जिसको कहा जाता है ऐसे ग्रंथ लाइब्रेरी में मिलते थे देखो यहाँ पे है ग्रंथागारोपी तो संधि होगी ग्रंथा गारह प्लस अपी इसलिए कहा गया कि इवन द लाइब्रेरी फॉलन इनटू हिज हिस्स पोजेशन ग्रंथागारह वो अनुपमा तो उसकी भी संधि इस तरह से होती है बहव प्लस अनुपमा कृदंत देखे हमने प्रत्यागतवान तो तवती कर्तरी भूत भूतकृदंत जो है यह प्रत्यागतवान भरतरी कर्तरी भूत भूतकृदंत का रूप है रूपते है षष्ठी पंचमी षष्ठी एक वचन का रूप है तो ग्रामर हम सीखे इसलिए मैं साथ में यह बता रहा हूं आप सबको क्योंकि ग्रामर के जो वर्ड है वह पूछे तो इसमें से ही जाते हैं इसलिए सो so, सिद्धराज जयसी कॉन्कर्ट Malav in the 12th century of the era started by Vikramaditya. After the conquest, Jaisi returned to Anhilpur, taking all the wealth of the king Yashovarma with him. With the wealth, even the library that was there had fallen into his possession. इन धीज लाइब्रेरी धेर वेर मैन इनकमपरेबल ट्रिटाइसिस तुम भोजन विरचि सरस्वतीकना प्रसिद्ध भोजव्याकरणतम आसित भोजन विरचित अमोंग धैम वन वोज ऑलसो भोज व्याकरण वर्क ऑन ग्रामर फेमस बाय भोज, वह जो भी संपत्ति लेके आए ग्रंथागार पूरा लेके आए उसमें एक प्रसिद्ध सरस्वती कंठाभरण नाम का भोज ने रचा हुआ व्याकरण भी था सिद्धराज जयसी कौकड़ मालो इन द ट्वेल्थ सेंचुरी ऑफ द एरा स्टार्टेड बाय विक्रमादित्य आफ्टर द कॉकेस्ट जयसी रिटर्न टू अनहिलपुर, टेकिंग ऑल द वेल्थ ऑफ द किंग यशोवर्मा विथ हिम विथ द वेल्थ Even the library that was there had fallen into his possession. In this library, there were many incomparable treatises. Among them, one was also Bhoj Vyakran, a work on grammar famous by the name Saraswati Bharanam, composed by King Bhoj. Siddharaj Jaisi conquered Malau in the 12th century of the era started by Vikramaditya. After the conquest, Jaisi returned to Anhilpur, taking all the wealth of the king Yashovarma with him. With the wealth, even the library that was there had fallen into his possession. In this library, there were many incomparable treatises. Among them, one was also Bhoj Vyakaran, a work on grammar famous by the name Saraswati Bharanam, composed by King Bhoj. Sidra Jaisi conquered Malo in the 12th century of the era. Started by Vikramaditya. After the conquest, Jaisi returned to Anhilpur, taking all the wealth of the king Yashovarma with him. With the wealth, even the library that was there had fallen into his possession. In this लाइब्ररी धेर वेर मेनी इनकमपरेबल टिटाइसिस अमोंग धेम वन वोज ऑलसो भ्योज व्याकरण अ वर्क ऑन ग्रामर फेमस बै द नेम सरस्वतीकंठाभ कंपोज बाय कि भोज नेक्ट एक सिद्धराज विचार पथम आरूढ़ वंस सिद्धराज स्टार्टेड थिंकिंग सह अचिंत ही थॉट मालव विजयेन अहम धनस्य स्वामित्वम प्राप्तवान I secured the ownership of the wealth by conquering Malo. सिद्धराज जैसी अब सोचते हैं कि मालो पर विजय प्राप्त करके मैंने धन पर अपना स्वामित्व जो है वह प्राप्त किया है कि धन पर मेरी मालिकी हो गई है तस्य तस्थागार अपि मया प्राप्त है ऑल्सो गॉड धैर लाइब्रेरी उसकी जो भी लाइब्रेरी थी पुस्तकें थी वह भी मुझे मिल गई है परंतु भोज व्याकरणेन भोजस्य यादृशी कीर्तिर वर्तते तादृशी कीर्तिर मया न प्राप्ता but the kind of fame bhoj that got by भोज व्याकरण हैज नॉट बीन वन बाय मी कि भोज व्याकरण से भोज की जैसी प्रसिद्धि थी कीर्ति थी कीर्ति यश्य सजीव थी कि कोई भी व्यक्ति है वह संपत्ति से ज़्यादा उसकी जो प्रसिद्धि होती है उसने अच्छे काम किए उसकी यश है कीर्ति है उससे जीता है क्योंकि कीर्ति जो है वह व्यक्ति के मरने के बाद भी उसको सब याद करते हैं यदि अच्छा काम किया हो तो आज भी कितने लोग हैं उसको याद किया जाता है क्योंकि उसके उसने अच्छे काम किए हैं इसलिए यश्य कीर्ति ही थी जो कीर्ति संपत्ति से व्यक्ति तब तक ही जी जीता है जब तक वह मरता नहीं है लेकिन मरने के बाद भी वह जीता है यदि कीर्ति प्राप्त की हो उसने अच्छा यश प्राप्त किया हो कोई भी ऐसा अच्छा काम किया हो इसलिए यहाँ पे कहा गया आई ऑल्सो गोट धैर लाइब्रेरी बट द काइंड ऑफ एम भोज दैट गोट बाय भोज व्याकरण हैज़ नॉट बीन वन बाय मी भोज व्याकरण से भोज ने जैसी प्रसिद्धि कीर्ति पाई है ऐसी कीर्ति मुझे मिली नहीं है अतः एतादृशं किमपि करणीयं येन मया मदीय कीर्ति रपि तादृशी भवेत यादृशी भोजस्य अतः एतादृशं किमपि करणीयं येन मदीय कीर्ति रपि तादृशी भवेत Yadrushi Once Sidrash started thinking, he thought I secured the ownership of the wealth by conquering Malo. I also got their library, but the kind of fame Bhoj, that got by Vyakaranam has not been won by me. अतः सो एकदृशन किमी कर आई शुड डू समथिंग लाइक येन मदीया कीर्तिरितादी भवे इट बाय विच माय फेम विल आल्सो बी लाइक दैट ऑफ भोज कि भोज की जिस तरह की कीर्ति है ऐसी कीर्ति मुझे भी मिले मेरी भी ऐसी कीर्ति हो इसलिए यहाँ पे भोज ने कहा कि सो आई शुड डू समथिंग लाइक इट बाय विच माय फैम विल आल्सो बी लाइक दैट ऑफ भोज वंस सिद्धराज स्टार्टेड थिंकिंग ही थॉट आई सिक्योर्ड द ओनरशिप ऑफ द वेल्थ बाय कंकरिंग मालो आई आल्सो गॉट दर लाइब्रेरी But the kind of fame Bhoj, that got by Bhoj Vyakaranam has not been won by me. So I should do something like it by which my fame will also be like that of Bhoj. Once Sidharaj started thinking, he thought, I secured the ownership of the wealth by conquering Malo I also get their ownership of the wealth by conquering Malo I also got their library but the kind of fame Bhoj that got by Bhoj Vyakaranam has not been won by me so I should do something like it by which my fame will also be like that of Bhoj. Once Siddharaj started thinking, he thought, I secured the ownership of the wealth by conquering Malo. I also got their library, but the kind of fame Bhoj that got by Bhoj Vyakaranam has not been won by me. So, I should do something like it by which my fame will also be like that of Bhoj. <coughs> Siddharaj Jaisi conquered Malau in the 12th century of the era started by Vikramaditya. After the conquest, Jaisi returned to Anhilpu. Taking all the wealth of the king Yasovarma with him. With the wealth, even the library that was there had fallen into his possession. In this library, there were many incomparable treatises. Among them, one was also Bhojavyakran, a work on grammar famous by the name. Saraswati Kantha Bharanam composed by King Bhoj. Once Sidharaj started thinking, he thought, I secured the ownership of the wealth by conquering Malo. I also got their library. But the kind of fame Bhoj had got by Hoj Vyakaranam has not been won by me, so I should do something like it by which my fame will also be like that of Hoj. Evam Vicharya Sahajain Munim Acharya हेमचंद्रम प्राप्तवान <coughs> एवं विचार्यसह चैन मुनिम आचार्य हेमचंद्रम प्राप्तवान दस थिंकिंग बिकेम टू द चैन सेज आचार्य हेमचंद्रम प्राप्तवान निवेदित वांच प्राप्तवान यह कर्तरी भूतकृदन का रूप है निवेदित यह भी कर्तरी भूतकृदन का रूप है आचार्य हेमचंद्र एंड सेठ प्राप्तवान एवं निवेदितवान इन फॉर्म कन्वेड निवेदितवान Thus thinking, he came to the Jain sage, Acharya Haimchandra, and said, Ai Acharya Varyaha, O respectable Bhavantu bhoj Vyakaran Sadrusham Vyakaranam Virchayantu, टेबल मोस्ट एक्सलेंट प्रिसेप्टर, मै योर ऑनर कंपोज वन, ग्रामर लाइक भोज व्याकरण येन भम च की अमरा इति, बाय विच द फैम ऑफ योर्स एज वेल एज माइन विल बी इमोट दस थिंकिंग He came to the Jain sage Acharya Hemchandra and said, O respectable, most excellent preceptor, may your honor compose one grammar like Bhojvya by which the fame of yours as well as mine will be immortal. Vah हेमचंद्र जी के पास हेमचंद्राचार्य जी के पास पहुंचते हैं सिद्धराज जैसे और कहते हैं कि आप भी भोज व्याकरण के जैसा एक व्याकरण की रचना करो जो कि पाटन अनहिलपुर में रचना हुई हो और सभी पाटन के लोग हैं उसको पढ़ाया जाए जिससे भोज व्याकरण जैसी प्रसिद्धि आपको भी मिले और मुझे भी मिले तो इसलिए ऐसा कोई व्याकरण रचने के लिए एक रिक्वेस्ट वहाँ पे करते है। thinking, he came to the sage, हैं द थिंकिंग ही कैम टू द जैन सेज आचार्य हेमचंद्र एंड सेड ओ रिस्पेक्टेबल मोस्ट एक्सलेंट परसेप्टर मे योर ऑनर कंपोज वन ग्रामर लाइक भोज व्याकरणम बाई विच द Fame of yours as well as mine will be immortal. Thus thinking, he came to the Jain sage, Acharya Hemchandra, and said, "O respectable, most excellent preceptor, may your honor compose one work of grammar, like Vyakaranam, by which the fame of yours as well as mine will be immortal." Thus thinking, he came to the Jain sage Acharya Hemchandra and said, O respectable, most excellent preceptor, may your honor compose one grammar like Bhuj Vyakranam by which the fame of yours as well as mine will be immortal. Sidra Jaisi conquered. Malo in the 12th century of the era started by Vikramaditya. After the conquest, Jaisi returned to Anhilpur, taking all the wealth of the king Yasovarma with him. With the wealth, even the library that was there had fallen into his possession. In this library, there were many incomparable treatises. Among them. One was also Bhoj Vyakaran, famous by the name Saraswati Kantha composed by King Bhoj. Once Sidraj started thinking, he thought, I secured the ownership of the wealth by conquering Malo. I also got their library. But the kind of fame Bhoj that got by Bhoj Vyakranam has not been won by me. So I should do something like it by which my fame will also be like that of Bhoj. Thus thinking, he came to the Jain sage Acharya Hemchandra and said, O oh respectable. मोस्ट एक्सलेंट प्रिसेप्टर, मे योर ऑनर कंपोज वन वर्क ऑफ ग्रामर लाइक भोज व्याकरणम बाय विच द फैम ऑफ योर्स एज वेल एज माइंड विल बी इमोट तो आज यहाँ तक ही हम पढ़ते हैं कलिकाल सर्वज्न हेमचंद्राचार्य हेमचंद्राचार्य दिसेंट और वन इन कलियुगा द दिस वन इन कलयुगा आपको होमवर्क में आज जितना भी पढ़ाया उसका ट्रांसलेशन दो बार आपको लिख के होमवर्क में देना है फिर से याद रखें आज हम तीन पैराग्राफ पढ़े हैं तो तीन पैराग्राफ का ट्रांसलेशन जो है वह आपको होमवर्क में एक बार दो बार लिख के देना है टू टाइम ट्रांसलेशन ठीक है थैंक यू वेरी मच